नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम ने कोलकाता को 3 विकेट से हराकर इस सीजन में पहली जीत हासिल कर ली है। लो स्कोरिंग मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के आखिरी 6 गेंद पर आरसीबी टीम को 7 रन बनाने थे। दिनेश कार्तिक ने पहली और दूसरी गेंद पर छक्का और चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। अब दोस्तों, इस जीत के बाद आरसीबी टीम से जुड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 3 बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसके बारे में आगे सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सारी बातचीत जो है हम डिटेल में करेंगे। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसी याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम 128 रन पर ही सिमट गई थी। जवाब में आरसीबी टीम ने 19.2 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 132 रन बनाते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी टीम की शुरुआत बेहद ख़राब रही। साउदी ने 3 विकेट और उमेश यादव ने इस मैच में 2 विकेट हासिल किए। साउदी और उमेश यादव ने बेंगलुरु का टॉप ऑर्डर तहस नहस कर दिया, पर मिडल ऑर्डर में शाहबाज अहमद और रदरफोर्ड ने 39 रनों की साझेदारी कर स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। इसके पहले डेविड विली और रदरफोर्ड ने साझेदारी की थी। इसके बाद शाहबाज अहमद आए, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। इसके बाद अंत में दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने मैच को फिनिश किया और आरसीबी टीम को जीत दिलाई। आरसीबी टीम के गेंदबाजों में हसरंगा ने 4 ओवर किए, 20 रन दिए, 4 विकेट हासिल किए। वहीं दोस्तों, आकाशदीप ने 3 विकेट लिए, जबकि हर्षल पटेल ने 2 विकेट हासिल किए और सिराज को 1 सफलता मिली। टीम के गेंदबाजों ने वहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी की। अब इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं क्या खुशखबरी आ रही है टीम से। तो पहली बड़ी खुशखबरी ये रही कि शाहबाज अहमद ने इस मैच में एक महत्वपूर्ण पारी खेली 27 रनों की। जी हाँ दोस्तों, शाहबाज अहमद जो है, उन्हें कार्तिक से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया और उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया। अहमद ने 20 गेंदों का सामना किया, 27 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 अहम छक्के लगाए। जी हाँ दोस्तों, उनके ये छक्के जो है आरसीबी टीम के जीत में वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। 27 रनों की इम्पॉर्टेंट पारी खेली और ये दिखा दिया कि उनका जो डोमेस्टिक सीजन से जैसा फॉर्म चला आ रहा है वो उन्होंने जारी रखा हुआ है, और आरसीबी टीम को आने वाले मैचों में वो ऐसी पारियाँ खेल कर देते रहेंगे। जब भी टीम को दरकार होगी वो बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी खुशखबरी ये है कि टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद भी मिडिल ऑर्डर ने वहाँ पर मिडिल और लोअर ऑर्डर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। हम जानते हैं कि आरसीबी टीम टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जहाँ पर दोस्तों उनके लिए विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसके साथ ही इस मैच में दोनों ही फेल हो गए थे, जल्द आउट हो गए, जिसके बावजूद भी डेविड विली, रदरफोर्ड, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, इसके अलावा शाहबाज अहमद, इन सारे ही बल्लेबाजों ने जमकर अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाई। जो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है, जहां पर आरसीबी टीम का टॉप ऑर्डर फेल होने के बावजूद भी मिडिल ऑर्डर ने जीत दिलाई है। इसके बाद दोस्तों, आखिरी खुशखबरी ये है कि ग्लेन मैक्सवेल जो है अगले मैच से वापसी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल जो है इसी हफ्ते में आरसीबी टीम के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे और बहुत जल्द ही वो वापसी करेंगे ट्रेनिंग कैंप में, जिसके बाद वो 5 अप्रैल को होने वाले मुकाबले के लिए पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएंगे। आरसीबी टीम के 3रे मैच में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर की कमी पूरी हो गई है। अब आरसीबी टीम के लिए मैक्सवेल वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे में नंबर 4 पर वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे विराट कोहली के बाद ही। तो 4 पर मैक्सवेल आ जाएंगे, 5 पर शाहबाज अहमद, फिर दिनेश कार्तिक, जैसी सिचुएशन रहेगी उसी हिसाब से कार्तिक का वो यूज़ करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।